कमीशन को भेज रहे हैं और हमको तो सीडी भी चाहिए, वीडियोग्राफी भी देखना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में इस वक्त चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्म दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी। अगर हम वोटिंग के काउंटिंग की बात करें तो उसको भी लेकर तेजस्वी यादव, जिस दिन से वोटिंग की काउंटिंग हो रही है यानी कि 10 नवम्बर से ही महागठबंधन की ओर से ये बात एक्सेप्ट नहीं की जा रही है कि उन्हें हार मिली है, हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। और आज फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो काफी ज्यादा आक्रोशित दिखे और उन्होंने एक लेटर के साथ ये बोला कि हम इलेक्शन कमीशन से अपनी सीडी मांगेंगे, वीडियोग्राफी मांगेंगे कि आखिर ये इलेक्शन में जो काउंटिंग हुई है वो कैसे हुई है और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, आप खुद सुन लीजिए। और अब हम सभी उम्मीदवार जो है लिख करके इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं और हमको तो सीडी भी चाहिए, वीडियोग्राफी भी देखना है। इससे पहले कि मैं अगला सवाल तेजस्वी जी के लिए लूं, मैं एक चीज और उसमें जोड़ देना चाहता हूं। इस बार सबसे बड़ा पोस्टल बैलेट का आधार था नियोजित शिक्षकों की। बिहार सरकार और उसके मुखिया को मालूम था कि ये पूरी की पूरी नियोजित शिक्षकों का समुदाय शिफ्ट कर गया है, इसलिए इनवैलिड करने की कोशिश हुई और वो सब चीजें हम एविडेंस के तौर पर मांगेंगे और इनके जीते हुए लोग हारेंगे। और एक बात, इनवैलिड करने का कारण जो हमको संदेह है ये है कि पोस्टल की जितनी भी काउंटिंग हुई है, एज एन एग्जाम्पल राघोपुर अगर लेते हैं, मेरे क्षेत्र का लीजिएगा, जहां हम 37,000 से चुनाव जीते हैं, जहां हम अच्छे से चुनाव जीते हैं, वहां भी पोस्टल में हम जीते हुए हैं लगभग 3 गुना ज्यादा से। एक एग्जाम्पल अगर रूनी सैदपुर का लीजिएगा, सीतामढ़ी का, तो वहां लगभग जो है 15,000 से 20,000 वोटों से हारे हैं, 25,000 से हारे हैं, लेकिन वो हारे हुए 15,000 से 20,000 क्षेत्रों में भी पोस्टल में एक तरफा हम लोग लीडिंग किए, यानी पोस्टल में जो मनोज झा जी ने कहा कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का रहा है, जिन मुद्दों के साथ हम समान काम समान वेतन दिलाने की जो बात कही थी, हमारे पक्ष में वो वोट मिले जिसको रद्द किया गया। और ध्यान से, आरा वाला भी पोस्टल बैलेट का ही बक्सा था रात का, तो एक जगह का पकड़ाया, लेकिन रात के अंधेरे में क्या क्या खेल हुआ ये तो आखरा जो है हम लोग डिमांड कर रहे हैं आयोग से। अरे भैया भाई सुनिए, समझ गए आप, एक मिनट, गवर्नर चुनाव लड़ रहे थे क्या? नहीं, एक मिनट बात सुनिए, गवर्नर चुनाव लड़ रहे थे क्या? चुनाव कौन लड़ रहा था, कैंडिडेट? इस गाइडलाइन में क्या लिखा है इलेक्शन कमीशन का, किसको सैटिस्फाई करता है, गवर्नर को कि कैंडिडेट को? क्या सीडी दिखाए क्या? दे मीडिया को दे दे, अरे मीडिया को दे दे, सब देखे ना।